सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। सतबरवा प्रखंड में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमने कुछ दिनों पूर्व मानासोती गांव में एक दबंग किस्म के विभागीय मुलाजिम द्वारा ही कई एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान निर्माण कराने संबंधी समाचार का प्रमुखता के साथ प्रसारण किया था, लेकिन इस बाबत कार्रवाई अब तक सुन्न जान पड़ती है। हमारे प्रखंड सूत्र द्वारा तहकीकात में कुछ और लोगों द्वारा वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा जमाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। यही नहीं, जमीन पर कब्जा कर मकान का निर्माण भी युद्ध स्तर पर जारी है। प्रखंड के दुलसुलमी गांव में 5 ऐसे अवैध मकान का पता चला है जो एनएच से महज कुछ ही दूरी पर अवस्थित है। मकान बनाने के लिए जंगलों को बेतरतीब तरीके से साफ किया जा रहा है, अंधाधुंध पेड़ पौधों को काट दिया जा रहा है, लेकिन वन विभाग बेखबर है। वरीय पदाधिकारियों का आवागमन इसी मार्ग से होता है, लेकिन वन विभाग और पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर किसी के द्वारा संवेदनशीलता नहीं दिखलाई जा रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग और जिला प्रशासन से इस बाबत शीघ्रतापूर्वक जांच कर दोषियों पर कानून सम्मत कार्रवाई करने की मांग की है।